कुल मिलाकर बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान के दरबार में सब सब बराबर हैं, सब एक हैं। बहुत धन्यवाद आपका वास्तु जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर दमोह से, जहां छोटी सी बात को लेकर मुस्लिम समाज ने अपने ही समाज के एक व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मामला बस इतना सा था कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू समाज के व्यक्ति को चुनावी टाइम पर तिलक लगाकर स्वागत कर दिया था। बस इसी बात को लेकर समाज ने उस शख्स के यहां आना जाना बंद कर दिया और बहरहाल पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है, तो पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि यदि दोबारा शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह है कि हमारे मोहल्ले में एक हिंदू भाई रहते हैं, उनको हमने गुलाल लगा दी थी कार्यक्रम में। जब से समाज के जो दो मुखिया हैं उनने हमें समाज से बहिष्कार कर दिया और हमारे घर में मट्टी हो गई। हमारी दादी का इंतकाल हो गया जिसमें हमने खाना बनवाया और दावत दी उन लोगों को तीजा में, मगर वो लोग खाना खाने नहीं आए। तकरीबन 10,000 से ऊपर का खाना फेंका। हमें समाज से बंद कर दिया गया है। इन हमारे शौहर ने टीका लगाया था हिंदू समाज के आदमी को, तो उस वजह से हम लोगों को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को कहीं आने न जाने नहीं देते हैं और हम लोग को समाज से मिल के नहीं रहने दे रहे हैं। सामाजिक तौर पर उनका मैटर आया था जिसमें सभी संबंधित पक्षों को एडिशनल एसपी द्वारा बुलाया गया और बुला के उनको समझाइश दे दी गई और उसकी समस्या को निराकरण करा दिया गया है और बोला गया भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे दमोह का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी आशीष। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज हो गई है, निराकरण भी हो गया है, लेकिन आगे अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। अजय, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं ये मामला दमोह के तेजगढ़ का है। तेजगढ़ थाना भी है, ग्राम पंचायत भी लगती है वहां का मामला। यहां पर रहने वाले आरिफ शाह के द्वारा एक आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के दिया गया था। आरिफ शाह का आरोप था कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बाजू से रहने वाले एक हिंदू व्यक्ति के लिए तिलक लगा दिया था और तिलक लगाए जाने के कारण उनकी समाज, जो मुस्लिम समाज के जो दबंग लोग थे, उनके द्वारा उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब आरिफ शाह की मां का निधन हुआ तो उनमें जो व्यवस्था होती है खाने पर बुलाया जाता है, उस दौरान उन्होंने अपनी मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया था लेकिन मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति उनके घर नहीं पहुंचा था। इसके साथ ही यह मामला एक वर्ष से चल रहा है। इसके साथ ही किसी भी तरह के शादी विवाह या कोई भी आयोजन में समाज में आरिफ शाह के परिवार को बुलाया नहीं जाता, उनके बच्चों को बुलाया नहीं जाता, उनके परिवार को बुलाया नहीं जाता। इन सब पुलिस तक मामला पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि मामले को सुलझा लिया गया है। बहुत धन्यवाद आशीष जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।